उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। कल यानी कि 6 फरवरी को इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी ड्राफ्ट को पेश करने के लिए उत्तराखंड सरकार पूरी तरह तैयार है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई, साथ ही उसे विधानसभा में प्रस्तुत करने का अनुमोदन भी कर दिया गया। कैबिनेट को जानकारी दी गई कि किस प्रकार प्रदेश में एक समान कानून लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। सभी धर्मों में विवाह के लिए एक समान कानून लागू होगा। सभी वर्गों में बेटे और बेटी को संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा और ये भी बताया गया कि महिला अधिकारों के संरक्षण को कैसे दिया गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही धामी सरकार ने ड्राफ्ट को सभी समाज के लिए उपयोगी बताया। कैसे देखिए। यूसीसी ड्राफ्ट में कई बातें गौर करने लायक हैं। मसलन केंद्र के अधिकार क्षेत्र को देखते हुए जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाई जाएगी ताकि वे ग्रेजुएट हो सके। विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा और ग्रामीण स्तर पर भी इसकी सुविधा होगी। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार होंगे। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत अलग अलग ग्राउंड है। संपत्ति पर लड़की लड़के का बराबर हक होगा। बहुविवाह, हलाला और इद्दत पर रोक होगी। डिवोर्स की स्थिति में बच्चों की कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दी जा सकेगी।